बिसमरमानीमकुम आज हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं मारूफ रूहानी हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर फोर सफा नंबर तेंतीस से बरकी निज़ाम मादी के अंदर तो फक्र किया जाता है तो मादी कवानीन और मादी खसूसियात मालूम होती हैं जब हमारा जहन मादे की गहराई में जस्तजू करता है तो ऐसी दुनिया का पता चलता है जो मादियत की बुनियाद है इसको हम लहरों की दुनिया या रोशनी की दुनिया कह सकते हैं साइंसदानों ने मादे के अजाए तरकीबी तलाश किए तो एटम और एटम के ज़रा सामने आए एटमी ज़रात में इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम हासिल हुई कि वह दोहरी खसूसियात का मालिक है एक तरफ मादी ज़र्रा है तो दूसरी तरफ लहर है एटम के अंदर मौजूद लहरों का निज़ाम रोशनी की दुनिया का सुराग देता है चुनाचे हम अपने माहौल में जो कुछ देखते हैं वो एक तरफ मादी तशखस रखता है तो दूसरी तरफ रोशनी का ह्योला है रोशनी के ह्योले में जो तहरीक पैदा होती हैं उसी के मुताबिक मादी तहश तशखस में भी तब्दीलियां वकूफ़ पजीर होती हैं साइंसी असूल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में तब्दीली कर दी जाए तो एटम अपनी माहियत तब्दील कर देता है न्यूक्लियाई अमल में यूरिनम अमले इनशिका के बाद प्लोटिनम में तब्दील हो जाता है गोया वो एटमी ज़रात जो लहरों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें तब्दीली वाक़ हो जाए तो अंसर की शक्ल बदल जाती है अंसर अपनी शक्ल बदल लेता है रोशनी की दुनिया में तब्दीली वाक़ होती है तो मादी तशखस में भी तब्दीली आ जाती है जिस तरह हर मादी वजूद के साथ बरकी रोह का निज़ाम काम करता है इसी तरह इंसान के अंदर भी बरकी निज़ाम कार फरमा है रूहानी साइंस के मुताबिक इंसान महज गोश पोश हड्डियों और खून से मरकब एक पुतला नहीं बल्कि हाकि वजूद के अंदर नूरी जोहर भी है और यही नूरी जौहर उसकी असल है जौहर की रो या करंट है जनरेटर इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर तीन जनरेटर काम करते हैं ये जनरेटर तीन तरह के करंट पैदा करते हैं इन तीनों करंट के मजमू का नाम इंसान है मिसाल शमा या शमा किलो तीन अज्जा का मरकब है एक शोले का रंग दो शोले का उजाला तीन गर्मी जो शमा के अंदर जलने से पैदा होती है जब हम लफ्ज शमा कहते हैं तो इससे मुराद तीनों अज्जा की इज्तमाहीक्ल सूरत होती है इन तीनों में से किसी एक को भी शमा के वजूद से अलग नहीं किया जा सकता शमा की तरह इंसान के हवास भी तीन बरकिरों रो के ताबे हैं तमाम हयाल तस्वरत और एहसास चाहे वो ज़ाहरी हों या बातनी ठोस हों या लतीफ़ बरकी रोग की मुखलिफ़ तरकीबों से तश्किल बातें हैं इन तीनों जनरेटरों को एक मरकज़ी पावर स्टेशन कंट्रोल करता है जिसे अमर रू या तजली कहते हैं जनरेटर नंबर एक से पैदा होने वाला करंट नहायत लतीफ़ और तेज़ रफ़्तार है उसकी कुवत, यानी पोटेंशियल भी नाकाबले बन हद तक ज्यादा है यह अपनी तेज रफ्तारी की बिना पर जहन को कायनात के तमाम गोशों से मुंसलिक रखता है रफ्तार के तेज होने की वजह से इस करंट का अक्स इंसानी दिमाग की स्क्रीन पर बहुत धुंधला पड़ता है इस अक्स को वाहमा कहते हैं तमाम एहसास और तमाम अलोम की इब्तदा वाहमा से होती है लतीफ तरीन हयाल का नाम वाहमा है जिसे सिर्फ इधरा की गहराइयों में महसूस किया जाता है वाहमा गहरा होकर हयाल बन जाता है जनरेटर नंबर एक से पैदा होने वाले करंट के दो हिस्से हैं एक ज्यादा ताकत का हामिल और दूसरा कम ताकत रखने वाला एक ही की रो पहले तेज़ रफ्तार होती है और बाद में उसकी रफ्तार कम हो जाती है ज़्यादा ताकतवर या तेज़ रफ़्तार करंट कायनात का शौर या कायनात का रिकॉर्ड है और कम ताकत का हामल करंड वाहमा कहलाता है जनरेटर नंबर टू तो से भी दो तरह की बरकी रो पैदा होती है एक मनफ़ी और दूसरी मसबत मनफी लहर वाहमा में दाखिल होती है तो वाहमा माँ हयाल बन जाता है ह्याल वाहमा की तफसीली सूरत है लेकिन ये भी निगाह से पुषिदा रहता है हयाल पर मस्बत करंट गालिब आ जाए तो वो तस्वर में ढल जाता है हयाल में हदोहाल पैदा हो जाए तो उसे तस्वुर कहते हैं तस्वुर ऐसा हाका है जिसे निगाह तो नहीं देखती लेकिन जहन शक्लो सूरत का अहाता कर लेता है जनरेटर नंबर तीन जनरेटर नंबर तीन की बरकीरों का काम एहसास को गहराई बहजता है ये बरकीरों मौज की शक्ल रखती है यानी इसकी एक हरकत ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे की जानब होती है बिल्फाज दीगर ये दो हरकत दो तरह के एहसास जहन को अता करती हैं ऊपर के रुख हरकत या सऊदी हरकत एहसास में रंगीनी है इस हरकत में तस्वुर इतना गहरा हो जाता है कि आदमी अमल की तरफ खींचने लगता है नजूली हरकत या नीचे की तरफ हरकत अमल या मुजाह है अमर या तजली में कायनात का मजमू इल्म रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है ये रिकॉर्ड हरकत में आकर वाहमा बन जाता है इस हरकत को करंट नंबर एक कहा गया है करंट नंबर दो की मनफी लहर वाहमा को हयाल की शक्ल सूरत अदा करती है और हयाल के ज़रिए तमाम महलुकात एक रिश्ते में बंधी हुई बंधे हुए हैं यही वजह है कि महलूक में तकाज़े मुश्तरक हैं मसला भूख प्यास, रंज गुस्सा बकाए नस्ल का जज्बा वगैरह करंट नंबर दो की मस्बत लहर इंसान को अपनी नौ के तवरत से आशना करती है करंट नंबर तीन का नज़ूल रुख एहसास में ठोसपन है और सऊदी रुख एहसास में रंगीनी है सऊदी रुख में इंसान के तमाम एहसास जिसम से अपना रिश्ता मुनका करके ज़मान और मकान से आज़ाद हो जाते हैं नजूली रुख में आँख कान नाक हाथ पाँव के ज़रिए हास का मुजाहरा होता है और सऊदी रुख में बसारत समाद, गुफ्तार और लम्स की सलाहियतें अज़ा के बगैर काम करती हैं आदमी के जहन से तीनों करण गुजरते हैं और बैक वक्त तीनों कैफियत में वो सफ़र करता है लेकिन जिस करंट का अक्स जहन की स्क्रीन पर गहरा होता है आदमी उसी की खसूसियात में ख़ुद को मतहरक देखता है अगर करंट नंबर तीन पर करंट नंबर दो या करंट नंबर एक का सेंसेशन गालिब आ जाए तो आदमी तस्वुर हयाल और वाहमा की रफ़्तार से सफ़र करने लगता है और ये तमाम महफी या हफी इतलात तस्वीरी फिल्म की सूरत में सामने आ जाती हैं मुराकबा की मश्क से करंट नंबर दो और करंट नंबर तीन की ताकत बढ़ने लगती है ताकत बढ़ने से मुराद ये है कि दिमाग का रसीवर उन अतलात को ज्यादा बेहतर वसूल करने लगता है तीन करंट अभी हम बयान कर चुके हैं कि इंसान के अंदर तीन करंट काम करते हैं बिल अल्फाज दीगर इंसान के अंदर जो सलाहित काम करती हैं वो तीन दायरों में मज़र बनती हैं ये तीनों करंट महसूस के तीन होले हैं और हर होला मुकम्मल तखस रखता है हर करंट से इंसान का एक जिसम वजूद में आता है इस तरह आदमी के तीन वजूद हैं यह आदमी तीन जिसम रखता है मादी जिसम रोशनी का बना हुआ जिसम और नूर से बना हुआ जिसम यह तीनों जिसमें वक्त मुतहरिक रहते हैं लेकिन मादी जिसम जिसे मादी हरकत का रखता है ये सिर्फ और सिर्फ मादी हरकत का इल्म रखता है मिसाल के तौर पर मादी जिसम के अंदर लातदाद अफ़ा क्या होते रहते हैं फड़े हवा खींचते हैं जिगर के अंदर हजार तामुलात बरसरे अमल रहते हैं दिमाग के अंदर बरकी रो के जरिए हैरान कन करिश्मा रहता है पुराने ना होते हैं नए हुलियात बनते हैं तर को हम शोर महसूस नहीं करता और न हमारा शौर इरादा इनको कंट्रोल करता शौरी इरादे के बगैर ये अमाल खुद बहुत एक तरतीब से वाक्या होते हैं हमारे अंदर रोशनी नूर के जिस्म में भी काम करते शौर उन्हें महसूस नहीं करता सिर्फ खाब हाँ या मुराकबे की कैफियत ऐसी हैं जिनमें हमें रोशनी के जिस्म और नूर के जिस्म का एहसास होता है इन कैफियत में हमारा मादी जिस्म जिसमल रहता है इसके बावजूद हम जिंदगी का हर फेल अंजाम देते हैं इस कैफियत में रोशनी का जिस्म हरकत करता है अगर ह्याल की कुत को बढ़ाया जाए तो जिसमें मसाले की हरकत सामने आ जाती हैं और हम जिसमें मसाले को इरादे के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं जिसम मिसाले की रफ्तार मादी जिसम से साठ हजार गुना ज्यादा है हाप में नूर का जिसम भी मुतहरक हो जाता है लेकिन रफ्तार इतनी तेज नहीं होती लेकिन रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम नूरानी वारदात को याद नहीं रख पाते नूर का जिसम रोशनी के जिसम से हजारों गुना ज्यादा तेज सफर करता है अगर काल की ताकत में मतलूबा इजाफा हो जाए तो आदमी नूर के जिसम से मुतारिफ़ हो जाता है रूहानी लोग मुराकबा पर अमूर अबूर हासिल करके रोशनी और नूर दोनों में सफर करते हैं मुराकबे के जरिए आदमी की शौर्य कैफिया रोशनी के जिसम में तहलील हो जाती हैं और आदमी रोशनी की रफ्तार से सफर करने लगता है बातें मालूम हो जाती हैं जो रोशनी के अंदर मौजूद हैं ये बात, बात कर देनी जरूरी है कि यहाँ रोशनी से मुराद वो रोशनी नहीं है जो हमें नजर आती है बल्कि ये उस रोशनी का तस्करा है जो ज़ाहरी आँखों से नजर नहीं आती इस तरह जब शौरी कैफियात नूरानी दुनिया में जज्ब हो जाती हैं तो नूर का जिसम बरसरे अमल आ जाता है उस वक़्त आदमी नूर दुआओं के जरिए जमानियत और मकानियत को तय करने लगता है तीन परत तीन परत हर इंसान तीन जिसम या तीन रूहों से मरकब है रूह हैवानी रूह इंसानी और रोह आजम हर रो दो दायरों पर कायम है रूहे हैवानी दायरा नंबर एक रो, दायरा नंबर दो कलबे रूहे इंसानी दायरा नंबर एक रो, दायरा नंबर दो सर सर रूह आजम दायरा नंबर एक हफी दायरा नंबर दो एहफा ये छह दायरे महवरी और तोलानी गर्दश सर्कल और ट्रायंगल में तकसीम होकर रोशनी और नूर की छह लहरों में तब्दील हो जाते हैं रोशनी की तीन लहरों से बेदारी के हवास बनते हैं और तीन नौरानी लहरों से हाब के हवास बनते हैं रोशनी की तीन लहरें बेदारी की ज़िंदगी को मुतहरक रखती हैं और नूर की तीन लहरें हाब की ज़िंदगी को मुतरक रखती हैं हर आदमी सोने के बाद बेदार होता है बेदारी के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वह शौरी हवास में दाखिल होता है हम इस कैफियत को नीम बेदारी की हालत कह सकते हैं नीम बेदारी से मतलब ये है कि अभी आदमी पूरी तरह शौर में दाखिल नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही वह सोकर उठने के बाद बेदारी की पहली कैफियत में दाखिल होता है उसके नफ्स में फिक्रों अमल का हजूम हो जाता है बेदारी के हौस में फिक्र अमल के जो तर्जे हैं वो सब यकजाई तौर पर दूर करने लगती हैं हर आदमी सोने के बाद बेदार होता है बेदारी के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो शौरी हवास में दाखिल होता है हम इस कैफियत को नीम बेदारी की हालत कह सकते हैं नीम बेदारी से मतलब ये है कि अभी आदमी पूरी तरह शोर में दाखिल नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही वो सोकर उठने के बाद बेदारी की पहली कैफियत में दाखिल होता है उसके नफ्स में फिक्रों अमल का हजूम हो जाता है बेदारी के हौस में फिक्रों अमल की जो तर्ज़ें हैं वो सब यकजाई तौर पर दूर करने लगती हैं नीम बेदारी के बाद दूसरा वक्फा शुरू होता है उसमें आदमी के होश हवास में गहराई पैदा होती है होशो हवास की इस गहराई से दिमाग के ऊपर जो हमार होता है वो ख़त्म हो जाता है इस वक्फे में सरूर की कैफियत तारी रहती है कभी सरूर की कैफियत बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है इस कैफियत से दायरा कल्ब मुतहरक हो जाता है सरूर के एहसास गहरे होने के बाद तीसरी कैफियत वजदान की है वजदान बेदारी का तीसरा वक्फा है वजदान में दायरा रूख काम करता है पहला वक्फ़ा नीम बेदारी यानी शौरी हवास की इब्तदा फिक्र अमल का एक मरकज पर कायम होना दायरा नफ्स की हरकत दूसरा वक्फ़ा दिमाग के ऊपर से गुबार का हलवा खत्म होकर होशो हवास में गहराई पैदा होना सरूर दायरा कल्ब की हरकत तीसरा वक्फा सरूर गहराई बजदान दायरा रूह की हरकत जिस तरह बेदारी में तीन वक्फे हैं उसी तरह नींद के भी तीन वक्फे हैं जिस तरह इंसान तीन स्टेज से गुजर कर बेदारी में दाखिल होता है उसी तरह तीन मरहलों से गुजर कर नींद में दाखिल होता है नींद और बेदारी के दरमियानी वक्फे का नाम गनूद हैनूद में दायरा सर हरकत में रहता है नींद की दूसरी हालत में जिसे हल्की नींद कहना चाहिए हफी दारा की हरकत होती है और नींद की तीसरी हालत में इंसान जब पूरी तरह गहरी नींद सो जाता है अफफा दारा की तहरीक होती हैं नींद और बेदारी के दरमियान पहली कैफियत, गनूद बोझल हवास लाशौर का हल्का एहसास नींद और बेदारी के दरमियान दूसरी कैफियत हल्की नींद लाशोरी हवास में हरकत जमा शौरी हवास का इदराक नींद और बेदारी के दरमियान तीसरी कैफियत गहरी नींद लाशरी हवास का ग़लबा जमा शौरी हवास की नफ़ी गौरतलब बात यह है कि इन तमाम हालतों के शुरू में इंसान पर सकूत की हालत ज़रूर तारी रहती है जिस वक़्त आदमी सोकर उठता है उस वक्त उसका जहन कती तौर पर पुरसकून और हाली होता है उसी तरह दूसरी कैफियत में भी इंसान की तबीयत चंद लम्हों के लिए ज़रूर साकित हो जाती है यानी एक हालत से दूसरी हालत में दाखिल होने के लिए सकूत का होना ज़रूरी है जिस तरह बेदारी की हालत में हर हालत सकूत से शुरू होती है इसी तरह गनूद के वक्त भी हवास पर हल्का सा सकूत दारी होता है और चंद लम्हे गुजर जाने के बाद हवास का यह सकूत बोझल होकर गनूदगी की सूरत एहतियार कर लेता है इब्तदाई नींद के चंद लम्हात सात लम्हात से हल्की नींद की शुरुआत होती हैं और फिर गहरी नींद की साकत लहरें इंसानी जिस्म पर गलबा हासिल कर लेती हैं इस गलबे को गहरी नींद कहा जाता है नजर का कानून बेदारी हो या नींद दोनों का हवास से है एक हालत में या एक कैफियत में हवास की रफ़्तार तेज़ हो जाती है और एक हालत या कैफियत में हवास की रफ़्तार कम हो जाती है लेकिन हवास की नोयत नहीं बदलती बेदारी हो या खाब दोनों में एक ही तरह के और एक ही कबील के हवास काम करते हैं बेदारी और नींद दरअसल दिमाग के अंदर दो हानि होते हैं या यूँ कहिए इंसान के अंदर दो दिमाग हैं एक दिमाग में जब हवास मुतहरक होते हैं तो इसका नाम बेदारी है दूसरे दिमाग में जब हवास मतहरक होते हैं तो इसका नाम नींद है यानी एक ही हवास बेदारी और नींद में रद्दबदल हो रहे हैं और हवास का रद्द होना ही ज़िंदगी है जब दिमाग के ऊपर एक हवास के मतलब सकूत तारी होता है तो दूसरे हवास मतहरक हो जाते हैं बेदारी में हवास के काम करने का कायदा और तरीका यह है कि आंख के ढीले पर पलक की जरब पड़ती है तो हवास काम करना शुरू कर देते हैं यानी इंसान नींद के हवास से निकलकर बेदारी के हवास में दाखिल हो जाता है मौजूदा दौर में इसकी मिसाल कैमरे से दी जा सकती है कैमरे के अंदर फिल्म मौजूद है लेंस भी मौजूद है लेकिन अगर कैमरे का बटन ना दबाया जाए और शटर में हरकत वाकया ना हो तो फिल्म पर तस्वीर नहीं आती बिल्कुल इसी तरह आँख के डेले पर अगर पल की जरब ना पड़े तो सामने मौजूद मनाजिर दिमाग की स्क्रीन पर फिल्म नहीं बनते बेदारी में देखने का ये दूसरा मरहला है पहला मरहला ये है कि जब इंसान सोने के बाद बेदार होता है तो फौरी तौर पर उसे कोई ख्याल आता है और ये ख्याल ही दरअसल बेदारी और नींद के दरमियान हद बन जाता है जब इस ख्याल में गहराई वाक़ होती है तो पलक झपकने का अमल शुरू होता है और पलक झपकने के साथ साथ मौजूद मनाजिर दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं देखने का कानून ये है कि दिमाग पर मौजूद मनाजिर के साथ साथ इल्मी हैसियत में दिमाग एक इतला मौसू करता है देखने से जहन में इस इतलाई में मानी पहना देता है देखने से जहन इस इतला में पहना देता है। पलक झपकने के अमल के साथ साथ इंसानी दिमाग में जो अक्स मुंतकिल होता है उसका वक्फ़ा पंद्रह सेकंड होता है अभी पंद्रह सेकंड नहीं गुजरते तो नजर के सामने मनाजर में से कोई एक दो या जायद मनाजर कोई एक दो या जायद मनाजर पहले ही मनाजर की जगह ले लेते हैं और ये सिलसिला साथ कायम रहता है बेदारी में निगाह का के डेलू बर रास्त है आख के डेलू पर पलकों की जरब के कैमरे का वो बटन है जो बार बार तस्वीर लेता है कानून ये है कि अगर आँख के डेलू के ऊपर पलक की जरब ना पड़े तो आंख के अंदर मौजूद असाब काम नहीं करते आंख केन्दर मौजूद असाब की हस हिस्से सिर्फ उसी वक्त काम करती हैं जब उनके ऊपर पलकों या आंख के पर्दों की ज़रूरत पड़ती है अगर आँख की पलक को बांध दिया जाए और डेलों की हरकत रुक जाए तो नज़र के सामने हला आ जाता है मनाजर की फिल्म बंदी रुक जाती है सारी कायनात और कायनात के अंदर तमाम नोए और अफराद एक मरकजियत के साथ बंधे हुए हैं ज़िंदगी के मुख्तिफ़ मराहल और ज़िंदगी के मुख्तु ज़माने जाहिर बीन नजरों से अलग अलग नज़र आते हैं लेकिन फिल वाक़ ज़माने का नशेबो फराज और ज़िंदगी के मराहल में तगर व तबदल कितना ही मुख्तु क्यों ना हो सब का ताल्लुक मरकजियत से क़ायम है अफराद कायनत और मरकजीत के दरमियान लहरें या शुआ रे का काम करती हैं एक तरफ़ मरकजीत से लहरें नज़ल करके अफराद कायनात को फीड करती हैं मरकजीत को कायम रखती हैं और दूसरी तरफ ये लहरें अफराद कायनात को फीट करने के बाद सऊद करती हैं नज़ूल सऊद का ये लामुतना ही सिलसिला ज़िंदगी है शुआ और लहर के दौरानिया के पेश नज़र कायन की जो सूरत बनती है इसको हम एक दायरे के अलावा कुछ नहीं कह सकते यानी पूरी कायनात एक दायरा है सऊदी और नजोली हरकत के साथ तकसीम होकर यह एक दायरा छः दायरों में जलवा नमा होता है कायनात और अफरादी कायनात के पहले दायरे का नाम अनफस है नफ्स एक चराग है जिससे रोशनी निकल रही है चराग की इस रोशनी या लो का नाम निगाह है जाहिर है जहाँ लो होगी वहाँ रोशनी होगी और जहाँ रोशनी होती है वहाँ का माहौल मुनवर हो जाता है चिराग की रोशनी जहाँ तक पड़ती है ख़ुद अपना मुशाहिदा कर लेती है चिराग की लोह में बेशुमार रंग हैं। जितने रंग हैं उतनी ही कायनात में रंगीनियाँ हैं चिराग की लोह की रोशनी हल्की मध्यम तेज़ और बहुत तेज़ होती रहती है जिन चीज़ों पर रोशनी बहुत हल्की पड़ती है उन चीज़ों से मुतलक हमारे दिमाग में तवाहम पैदा होते रहते हैं और जिन चीज़ों पर लो की रोशनी हल्की पड़ती है उन चीज़ों से मुतलक हमारे जहन में ख्याल पैदा होता है और जिन चीज़ों पर लो की रोशनी तेज़ पड़ती है उन चीज़ों का हमारे जहन में तस्वुर बनता है और जिन चीज़ों पर लो की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है निगाह उनको देख लेती है दरअसल हम किसी चीज़ को देखने के लिए चार मराहल से गुज़रते हैं किसी चीज़ को देखने और समझने के लिए उस चीज़ का हल्का सा वहम दिमाग पर वारिद होता है यानी किसी चीज़ से मुतलिक एक हल्का सा हाका बनता है वहम में गहराई होती है तो ख्याल बन जाता है ख्याल में गहराई पैदा होती है तो जहन पर उस चीज़ के नक्शो नगार बन जाते हैं नक्शोन निगार गहरे हो जाते हैं तो ख्याल तस्बर बन जाता है और जब नक्शो निगार तस्वरती तौर पर हदोहाल में ज़ाहिर होने लगते हैं तो वो चीज़ नजरों के सामने आ जाती है तफक्कुर निशानदेही करता है कि देखना एक सलाहियत है जो हल्की से हल्की रोशनी में काम करती है किसी चीज़ के हल्के से हाके को चाहे उसकी हैसियत वहम क्यों ना हो निगाह में मुंतकिल कर देती है ताकि मज़ीद तीन दर्जों में सफ़र करके इस चीज़ को हदोह की की सूरत और रंगो रूप डायमेंशन में देखा जा सके जिस तरह हमने निगाह का कानून बयान किया है उसी तरह सारी हिस्से काम करती हैं ये हिस्से शामा सोंगने के हिस्स समात सुनने के हिस्स कुत ऐक़ा चखने के हिस्स और लामसा छूने के हिस्स हैं ज़िंदगी की सारी दिलचस्पियाँ ज़िंदगी के सारे आमाल वाक़ व हालात ज़िंदगी की कुल तर्ज़े इसी कानून पर जारी हैं कायनात का कल्ब हमारे ज़ेन में हमा वक्त मुख्तफ़ ख्याल और तस्वर वारद होते रहते हैं इनमें हमें अपना इरादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इरादे और एख्तियार के बग़ैर ख्याल कड़ी दर कड़ी नुकतः शोर में दाखिल होते रहते हैं इंसानी ज़िंदगी में हयालत तस्वर कैफ़ और जो तकाज़े काम करते हैं वो तीन दर्जे पर मुश्तमिल हैं एक तरह के ख़्यालत तो एहसास आदमी को अपनी मौजूदगी का इदराक अता करते हैं जिनकी बदौलत आदमी ख़ुद को आदमी की सूरत में देखता है गोया ये इनफरादी एहसास है इस तर्ज का शोर कायन की तमाम महलूकत को हासिल है बकरी भी अपना एहसास रखती है और फाख्ता भी उसको भी अपनी मौजूदगी का एहसास है दूसरा शौर फर्द को उसकी नो के तस्वर से आशना करता है मसलन आदमी के अंदर जब शौर काम करता है तो आदमी से आदमी की पैदाइश होती है और गाय से गाय का बच्चा जन्म लेता है आदम के बच्चे के वही एहसास होते हैं जो उसके वालदेन के हैं और गाय का बच्चा वही एहसास लेकर पैदा होता है जो गाय के हैं ह्याला तो इदराक का एक मजमू वो शौर है जो तमाम महलूकत में यकसा जारी है और इस ही शौर का मुजाहरा नजर है ये शौर जिस मुकाम पर जलवागर होता है एक ही तर्ज रखता है मसला आदमी पानी को पानी समझता है और बकरी भी पानी को पानी समझ कर पीती है इस शौर या नज़र के किरदार में अजल से अब तक कोई तब्दीली नहीं होती मकानियत के तब्दील होने से भी इसके किरदार में कोई फर्क वाकया नहीं होता इसी शोर की बदौलत तमाम महलुक एक दूसरे से नज़र न आने वाले रिश्ते में बंधी हुई हैं यही वजह है कि कायनात की बुनियादी इकदार एक हैं भूख प्यास रंजो गम बसारत समात और लम्स के कुवते सारी महलुक में मौजूद हैं जब यह कुवतें नो में हरकत करती हैं तो हर नो अपनी इकदार के मुताबिक इनको मुख्तों में इस्तेमाल करती है मसलन भूख का एहसास शेर में और बकरी में भी काम है लेकिन दोनों अंदाजे की तकमील अलग अलग करते हैं ह्याल में मायने की बुनियाद पर नो का जहन इनफरादी तौर पर काम करता है यानी नो का जहन फर्द में इफरादी शोर बन जाता है कायनाती जहन दरख्त के बीज की मानद है दरख्त का तना शाहें फूल और फल सबकी मादी बुनियाद नन्ना सब बीज है एक बीज अपना इजहार हज़ारहा शक्ता है अगर बीज ना हो तो दरख्त का तस्करा मुमकिन नहीं है इसी तरह से तमाम नो और नू के अफराद में आते हैं नो और नो में काम करने वाले तमाम ह्याल तस्वरत तो और एक सब एक ही इकाई के फैलाव में हैं, सब एक अकाई का फैलाव है अगर नो के जहन को बरकी रो जान लिया जाए तो तमाम अनवा और उनके अफराद की हैसियत बरकी कुमकमो जैसी होगी इस तरह बरकी रोह बिजली घर से तारों के जरिए लाखों कुमकमों तक पहुंचती है इसी तरह कैनाती जहन से इतलात नो और उसके अफराद तक पहुंचती हैं क्योंकि इतलात का निज़ाम बरकी रोग की तरह इसीलिए तमाम इनवा का जहन एक दूसरे मुंसलिक गौर किया जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि हमारे जहन का एक रुख मादी जिंदगी में हरकत करता है तो दूसरा रुख जिंदगी की इतलात का सोर्स है जिसमें जिंदगी तमाम इतलात और हरकत महफूज हैं हमारी शौरी जिंदगी इस हिस्से के ताबे हैं हमारे जिसम में हजार हा हरकत कीमियावी और बरकी अमाल शौरी इरादे के बगैर वाक होते हैं मसलन सांस लेने पलक चपकने, दिल धड़कने में हमें इरादे नहीं करना पड़ती इस सारे अमाल अजहुद एक तरतीब के साथ वाक होते रहते हैं तहलीक के मरहले में नो के हदोहाल नो के तस्वरत और इतलात फ़र्ज से पैदा होने वाले बच्चे को मुंतकिल होती हैं पैदाइश में इनफरादी शौर का किरदार सती है नोई जहन और कायनाती जहन बुनियादी किरदार अदा करता है इसके साथ ही ये पार्ट अपने अहताम को पहुँचा